Hello, and here I am before you to discuss this civil services preliminary examination paper 2 from question number 68 and onward, 68 to 80. So this is the last segment of this topic, and I am going to discuss here this last segment. Try to understand, and if there is any problem, you must write to us. क्वेश्चन 68 से शुरुआत। किसी शहर में पहले 4 दिन का औसत बरसात 0.40 इंच दर्ज की गई। आखिरी 2 दिनों में 4.3 के अनुपात में वर्षा हुई। 6 दिनों के वर्षा की औसत वर्षा 0.50 इंच थी। पांचवे दिन कितनी वर्षा हुई? तो अभी पहले सेगमेंट में हमने औसत पे क्वेश्चन किया था। 4 दिन की वर्षा का कुल योग और पांचवे दिन 4K n 3K वर्षा हुई होगी। 4:3 का मतलब हुआ कि 4K और 3K वर्षा हुई होगी। तो 4 दिन के वर्षा का कुल योग कितना हुआ? तो 0.40 के अनुसार 4 दिन की वर्षा का कुल योग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 दिन की वर्षा का कुल योग सॉल्यूशन, 4 दिन की प्रथम 4 दिन के वर्षा का कुल योग, 4 दिन के वर्षा की कुल मात्रा, चूंकि 0.40 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.60 इंच। पांचवे तथा छठे दिन अगर 4:3 में हुई है तो पांचवे दिन का 4K और छठे दिन का अंतिम दो दिन अर्थात पांचवे और छठे दिन की वर्षा की कुल मात्रा 4K+3K 4:3 में अर्थात 7K। तो 6 दिनों का वर्षा का कुल औसत बराबर 0.50 अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आप 4 दिनों का 1.60 प्लस 7K, 2 दिनों का 4 दिनों का ये, 2 दिन का ये, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.50। ये मतलब हुआ, ये 6 दिन का टोटल हो गया, अर्थात 1.60 प्लस 7K इज इक्वल टू 6 × 5 3.00 and 7K is equal to 1.40, so K is equal to 0.20, and therefore पांचवे दिन वर्षा की मात्रा कितनी होगी? पांचवे दिन की वर्षा होगी हमारा कुल कितनी? तो 4K, 4K मतलब 4 × 0.20, इसका मतलब हुआ 0.80 इंच आंसर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 0.80 इंच हो गया। अर्थात क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा? ये ऑप्शन सी जो होगा, यही ऑप्शन एप्रोप्रिएट आंसर होगा। सी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। सिंपल सा लॉजिक है, इतना कसरत करने की जरूरत नहीं थी। 4 दिन का हो गया 4 × 0.40 यानी 160 प्लस 4K प्लस 3K डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.50, तो ये आ गया 1.60 प्लस 7K इज इक्वल टू 3.00,
सेवन के इज इक्वल टू 1.40, के इज इक्वल टू 0.2 एंड देयर फोर पांचवें दिन वर्षा की मात्रा है 4 के 4 × 0.2 इज 0.80 इंच एंड देयर फोर आंसर। सो डायरेक्ट भी किया जा सकता था, बिल्कुल कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन हमने उन बच्चों के लिए जिनकी कंसेप्ट थोड़ी वीक है इसको पूरा डिटेल में लिख के बताया है। ठीक है, अब 69 की बात करते हैं। 68 क्वेश्चन का आंसर सी हो गया और 69 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 68 का आंसर सी हो गया और 69 की बात करें तो 69 क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है, ध्यान से अगर पढ़ें, दी गई सूचना पर विचार कीजिए और उसके नीचे आने वाले तीन प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी विभिन्न शहर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, दुबई, श्रीनगर जो कि एक सम्मेलन में शामिल हुए, इनमें से प्रत्येक व्याख्याता अलग अलग विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित और सांख्यिकी का हो, ये एक क्रम में नहीं है। तो ऐसे में अब बताना है कि व्याख्याता डी जो है वो शिलोंग से है, ए बी सी डी व्याख्याता डी, ध्यान से जरा पढ़ें क्वेश्चन को, व्याख्याता डी शिलोंग से है, व्याख्याता कानपुर का व्याख्याता भूगोल में विशेषज्ञ है, कानपुर का भूगोल में, कानपुर और भूगोल, ठीक है, इसी तरह से जगह और आदमी का नाम, ये सब ध्यान में रखना है। व्याख्याता बी तो ना तो इतिहास में है ना गणित में है, ए जो अर्थशास्त्र में, हैदराबाद का नहीं है, तो इस तरीके से हमें व्याख्याता सांख्यिकी जो विशेषज्ञ है वो चेन्नई का है, जी सांख्यिकी का विशेषज्ञ है और वो चेन्नई से है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी या तो हम इनको मार्क कर ले और या हम शहर को मार्क कर ले और विषय को बाद में रखें। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये पांच लोग हैं और ये अलग अलग विषय और साहित्य के हिसाब से हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं बड़े ही आराम से, और आप चाहें तो इसके लिए टेबल जनरेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज सिखाते हैं, पर्पस सिर्फ सॉल्यूशन का नहीं है, पर्पस है कि आप कुछ सीख भी पाए। तो अगर मैं ये लिख दूं कि जो सात विषय है, आपको तो वैसे क्वेश्चन पेपर पे ही लिखना चाहिए, जो सात विषय हैं उनकी यहाँ पे नाम लिख दूं और सात विषयों के नाम लिखने के पश्चात आप देखेंगे कि जो हमारे पास सात विषय है, एक बार में याद भी नहीं होता इतना लंबा है, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर। हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर। हैदराबाद, अगर मैं इस पे टेबल बनाऊं तो ये लिखना पड़ेगा कि हैदराबाद, चेन्नई, हैदराबाद, ध्यान से देखें, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, श्री मुंबई, श्रीनगर, ये छह हो गए और कोलकाता शायद था एक, ठीक है, ये हमने लिखा। हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, शिलोंग एक है, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग एक है, श्रीनगर और दूसरा है शिलोंग, तो शिलोंग को हम यहाँ पे लिख देते हैं शिलोंग, राइट, SH, ये हो गए शहर और ये हो गए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या सब्जेक्ट, व्याख्याता जो लोग हैं वो किस किस सब्जेक्ट के हैं और ये सब्जेक्ट है सात, वो भी क्रम में नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी चाहे वो भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन, पर्सन ए बी सी डी ई, या आप सब्जेक्ट वाइज चाहें तो लिख सकते हैं, यही ए बी सी डी ई और एफ और जी, एफ और जी,
एफ और जी, इस तरह से आप 7 लोगों के नाम लिख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इनमें, इन 7 लोगों में क्या क्या खूबियां हैं और हम कैसे इन पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अब एक एक जो हमारे पास टेबल है उनकी चर्चा करते हैं कि कैसे इसमें होगा। तो यहां से आप देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हमने इसमें कुछ टेबल बना लिए और इन टेबल के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक लाइन और खींच लेता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, आप पेशेंस रखें थोड़ा। देखिए, लाइन खींच देता हूँ ऐसे ही जल्दी जल्दी, ये शहर हमारे पास आ गए और हम इनको थोड़ा सा ये कर दिए, ये शहर हो लिखा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी, तो क्या होगा कि कानपुर का विख्याता भूगोल का विशेषज्ञ है, कानपुर भूगोल का विशेषज्ञ है, तो कानपुर में का विख्याता भूगोल का विशेषज्ञ है। या तो इस तरीके से आप करें, या अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा तरीका लगा देता हूँ, कानपुर का छोटा ही छोटा टेबल बनाना, इतना ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। हम लिख देते हैं कानपुर का विख्याता भूगोल का विशेषज्ञ, ये कानपुर है और ये है भूगोल का विशेषज्ञ, कानपुर का विख्याता भूगोल का विशेषज्ञ, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहली चीज, कानपुर का विख्याता भूगोल का विशेषज्ञ है, विख्याता डी सिलोंग का है, और विख्याता सी जो दिल्ली का है, विख्याता डी सिलोंग का है, डी सिलोंग का है, ये सिलोंग व्याख्याता डी जो है वो सिलोंग का है, डी जो है वो सिलोंग का है, ये सिलोंग है हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे कौन है, डी सिलोंग का, व्याख्याता डी जो सिलोंग का है, ये सिलोंग लिखा हुआ है, यहाँ पे डी है। मतलब ये कि सब्जेक्ट आप एक बार देखिए, ये जो है हम लिख रहे हैं शहर का नाम है, ये हैदराबाद, ये आदमी का नाम है और विषय का नाम है, तो डी जो है वो शिलोंग का है। और सबसे पहला जो लिखा हुआ है, सॉरी आपको बार बार इसमें देखने पड़ रहे हैं मुझे भी, कानपुर का व्याख्याता भूगोल का विशेषज्ञ है, कानपुर में जो रहने वाला पढ़ा आदमी है वो भूगोल है, भूगोल पता नहीं कौन सा आदमी है, बट ये बात तय है कि वो भूगोल पढ़ाता है। और उसके बाद डी जो है वो शिलोंग का है, सी जो दिल्ली का है समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है, सी जो है वो दिल्ली का है, यहाँ दिल्ली का आदमी है और वो समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है, समाजशास्त्र, सी दिल्ली का है और वो समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है, समाजशास्त्र का है, समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है। उसके बाद फिर लिखा है, ध्यान से देखें जरा तो आप पाएंगे कि अगली लाइन क्या लिखी है, व्याख्याता बी न तो इतिहास न तो गणित का विशेषज्ञ है, ए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है हैदराबाद का नहीं है, व्याख्याता एफ जो वाणिज्य का विशेषज्ञ है श्रीनगर का है, एफ जो वाणिज्य का विशेषज्ञ है वो श्रीनगर का है, एफ वाणिज्य का श्रीनगर में रहता है और ये वाणिज्य का विशेषज्ञ है, वाणिज्य का, तो ये है वो श्रीनगर का है। पहले हमें कंफर्म न्यूज लिखना चाहिए, उसके बाद जो है वो हम उन न्यूज को लिखते हैं जो रिजेक्शन वाले। तो
व्याख्याता जी जो सांख्यिकी का विशेषज्ञ है चेन्नई का है, जी सांख्यिकी का विशेषज्ञ है और चेन्नई का है, यानी जी आदमी यहाँ पे है और वो है चेन्नई का, चेन्नई ये है और ये है सांख्यिकी का, सांख्यिकी का विशेषज्ञ है। तो ये सांख्यिकी का है, ये भूगोल का है, वाणिज्य का है, ये सारा हो गया। अब लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें, अब रिजेक्शन वाला चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आधार पे हम बात करेंगे कि क्या कौन सा आदमी कहाँ का होगा। तो अब लिखा है कि बी न तो इतिहास का है न गणित का है, ए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है वो हैदराबाद का नहीं है, यानी हैदराबाद में रहने वाला ए नहीं है, हैदराबाद में ए नहीं है, तो ए इन दोनों शहरों में कहीं होगा, या तो लेकिन ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अभी हम टेम्पोररी ये मान रहे हैं कि कहाँ है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ए यहाँ का इन दोनों में से कहीं का होगा, क्योंकि ए हैदराबाद का नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, व्याख्याता डी शिलोंग का है, कानपुर का व्याख्याता भूगोल का विशेषज्ञ है, कानपुर में रहने वाला भूगोल का है, और व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है, तो ए यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रहने वाला अर्थशास्त्र का नहीं भूगोल का विशेषज्ञ है, इसलिए ए जो होगा वो यहाँ होगा ए, और यहाँ पे ए हैदराबाद का नहीं है, यहाँ पे अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ, ए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है वो कहाँ रहता होगा, मुंबई रहता होगा। इसके अलावा अब आप देखेंगे तो मिलेगा कुछ और जानकारी, बी व्याख्याता बी न तो इतिहास का है ना ही गणित का विशेषज्ञ है, बी इतिहास का भी नहीं है और गणित का भी नहीं है, इतिहास का और गणित का नहीं है, तो बी कहाँ होगा, भूगोल का पक्का होगा, बी भूगोल का होगा क्योंकि बी यहाँ नहीं हो सकता और बी यहाँ नहीं हो सकता, और बी यहाँ पे चूंकि एक सा इतिहास होगा और एक गणित होगा इन दोनों जगहों में से, तो वो इतिहास का भी नहीं है गणित का भी नहीं है, यहाँ पे या तो इतिहास होगा या गणित होगा, तो वो पक्का भूगोल का होगा। और ऐसी स्थिति में अब एक चीज और दिखे आ रही है कि व्याख्याता हैदराबाद का नहीं है, एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ श्रीनगर का, व्याख्याता जी सब कुछ अब पता चल गया, बाकी दो चीज सिर्फ पता नहीं चल पाया है, कानपुर का व्याख्याता भूगोल का विशेषज्ञ है और व्याख्याता डी शिलोंग का है, क्या पढ़ाता है ये नहीं पता है, ठीक है, एक गणित का और एक इतिहास का, यही दो लोग और बच गए हैं, एक आदमी गणित और एक आदमी इतिहास वाला। अब इसको अगर आप देखेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि नहीं है, ये देखें भूगोल का विशेषज्ञ कौन है जी, तो भूगोल का विशेषज्ञ अगर आप देखेंगे तो बी है, भूगोल का विशेषज्ञ जो है हमारा बी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको किसी और जानकारी की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं आराम से बड़े प्यार से कि भूगोल का विशेषज्ञ कौन है, बी। तो आंसर हो गया 69 का कौन सा, ए, बी जो है वो भूगोल का विशेषज्ञ है, ये बात पता चल गई कि बी जो है भूगोल का विशेषज्ञ है। उसके बाद अगला जो है 70, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ किस शहर में रहता है, अर्थशास्त्र कौन पढ़ाता था जी, ए पढ़ाता था, और एक कौन से शहर में है, ए है मुंबई में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, मुंबई, 70 का आंसर हो गया मुंबई, ठीक है। और उसके बाद वाला आंसर क्या है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का है, हैदराबाद का रहने वाला कौन है, क्या ये बात हम ज्ञात कर सकते हैं कि हैदराबाद का रहने वाला कौन है, हैदराबाद का रहने वाला कौन हो सकता है, इसमें से हमें देखना है कि हैदराबाद का रहने वाला कौन है, तो हैदराबाद का कौन रहने वाला है, सब कुछ ही का शहर हो गया है, पता तय हो गया है, एक ई बचा है, ई ही होगा हैदराबाद का, क्योंकि ए बी सी डी एफ जी सब तय हो गए हैं, ई पक्का हैदराबाद का रहने वाला होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया ई, इस प्रश्न का आंसर हो गया ई, ई आंसर, तो 70 71 72 ये तीनों का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना ही से बात बन गई, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़े से उनको देखते हैं, किसी पाठशाला में
पाठशाला में पांच शिक्षक ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई ए और बी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ए और बी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी हम सब्जेक्ट की अगर ऐसे कर लूं तुलना तो ये हो गया कि ए और बी इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश ठीक है एक सब्जेक्ट हो गया, और उनको पढ़ाने वाले कौन है, तो ए भी पढ़ा सकते हैं और बी भी पढ़ा सकते हैं, ए और बी दोनों इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये दोनों पढ़ा देंगे इंग्लिश, ए और बी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी और बी जो है अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, यानी ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है जिसको सी और बी दोनों पढ़ाते हैं, ये दोनों लोग अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, सी और बी अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं और भूगोल भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश और भूगोल दोनों पढ़ाते हैं। उसके बाद लिखा है डी और ए गणित और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, मैथ्स ये हो गया और हिंदी ये हो गया, ये कौन कौन से लोग पढ़ा रहे हैं, डी और ई जो है वो गणित और भूगोल दोनों पढ़ाते हैं, हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और हिंदी, डी और ए ई नहीं है, डी और ए है, तो डी और ए कौन से विषय पढ़ा रहे हैं, डी पढ़ा रहे हैं इसमें ए गणित और हिंदी, मैथ्स ए भी पढ़ा रहा है हिंदी भी पढ़ा रहा है और डी भी मैथ और हिंदी दोनों पढ़ा रहा है, ठीक है मैथ और हिंदी, ई और बी इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ा इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ई एक और करेक्टर है और बी ये लोग पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री और फ्रेंच, फ्रेंच भी एक सब्जेक्ट है, ये कौन कौन से लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं ई और बी, तो बी इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और ई भी इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है, तो आप गौर से देखेंगे तो बी दो विषय ये पढ़ा रहा है और दो विषय ये पढ़ा रहा है, यानी चार विषय बी पढ़ा रहा है, तो बी ही वो शख्सियत है जिसको चार सब्जेक्ट में नॉलेज है और चारों विषय पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आप कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक दो अंकीय संख्या को उत्क्रमित किया गया, उन दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया गया, संभवतः संभव शेषफल क्या है, बृहत्तम संभव शेषफल क्या है, एक दो संख्या अंकीय संख्या को उत्क्रमित किया गया मतलब रिवर्स किया गया, ये अंग्रेजी से थोड़ी हिंदी है, रिवर्स किया गया, उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाया गया, ये 50 के आसपास की संख्या लेनी चाहिए, दो अंकों की संख्या 11 से 99 तक होगी, इनमें से मिडिल 50 के आसपास 49 अगर संख्या ले आधे में तो उसका उल्टा हो जाएगा 94, डिफरेंस सबसे ज्यादा तभी होगा, तो बड़ी संख्या इसको उल्टा लिखा जाए 49 को तो 94 होगा, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो क्या बचेगा, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे बच गया 8 में से 4 गया 4, तो डिफरेंस उनका जो होगा वो 45 होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 45 हुआ, कहा दो अंकों की संख्या में तो उन दो अंकों की संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा, 94 को 49 से अगर भाग देंगे तो एक ही बार भाग लगेगा और शेष क्या बच जाएगा 45, तो यही है कि दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा शेष बचेगा 45, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 74, जरा देखें ये क्या है, इस प्रश्न में लिखा है कि एक्स और वाई की मासिक आय 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात भी 3:2 है, तो आय का अनुपात और व्यय का दोनों 6,000 बचाता है, यानी ये मान लो कि उनकी आय क्रमशः 4x और 3x हैं, व्यय 3y तथा 2y है, तो आय ए के आय और ये बी का आय, ए के आय में से ये व्यय हो गया, ये हो गया आय और ये है उनका व्यय, आय माइनस व्यय बराबर बचत, 4x माइनस 3y बराबर 6,000 और 3x माइनस 2y बराबर 6,000, अगर दोनों को इक्वेट कर दें या माइनस कर दूं तो यहां से मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएंगे, 4x माइनस
ऐसे लिख देता हूँ, कहीं कुछ लोगों को इक्वेशन के बारे में पता ना हो तो उनके लिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, कि जिन लोगों को इक्वेशन के बारे में पता ना हो, दोनों के आरएचएस बराबर है जी, तो एलएचएस बराबर होगा, यानी 4x-3y बराबर 3x-2y, ये 3x इधर आके माइनस हो गया x, 3y इधर आके प्लस हो गया, 3y-2y इक्वल टू वाई, तो x और y दोनों बराबर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 4x-3x इज इक्वल टू 6000, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6000। अब पूछ रहे हैं कि उनकी मासिक आय क्या है, तो इनकी मासिक आय जो है वो 4x यानी 4 × 6 = 24000 और 6 × 3 = 18000, 24000 प्लस 18000 मिल करके कितना हो गया 42000, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया बी, आय माइनस व्यय बराबर बचत। एवरीबडी इज नोट कि आय माइनस व्यय बराबर बचत। ए बी, आय उनकी हमने मान लिया 4x और 3x, और व्यय जो है वो मान लिया 3y और 2y, आय माइनस व्यय बराबर 6000, आय माइनस व्यय बराबर 6000, ये भी इनके भी 6000 बचत है, इनकी भी 6000 बचत है। तो ये प्रश्न से हो गया कि 4x-3y बराबर 6000 और 3x-2y बराबर 6000, तो ऐसा करने से हमारा मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई, 4x-3y इज इक्वल टू 3x-2y, x इज इक्वल टू वाई हो गया, 3x इधर आके माइनस, 3y इधर आके प्लस, 3y-2y वाई, एंड 4x-3x एक्स, तो x और y बराबर हो गया, इसलिए इस प्रश्न में अगर हम रख दें तो 4x-3x बराबर 6000 और x बराबर हो गया 6000, तो आमदनी कितनी है 4x+3x 7x और x है 6000, तो 7 × 6 = 42000, इसलिए कुल आय जो हो गई वो हो गई 4x+3x दैट इज 7x, दैट इज 7 × 6000 बराबर कितना, बराबर 42000, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 42000। 74 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर हो गया ये 74 है, और इसका सॉल्यूशन हो गया कितना 42000। 42000 का मतलब कौन से ऑप्शन, तो बी, 42000 आंसर हो गया और ऑप्शन हो गया बी, 42000 ऑप्शन बी आंसर, ठीक है बी आंसर। तो इस तरीके से ये प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की दो दीवारें और एक छत बिंदु पी पर समकोण बनाते हुए एक दूसरे से मिलती है, एक मक्खी हवा में है जो पहली दीवार से 1 मीटर, दूसरी दीवार से 8 मीटर और तीसरी बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है तथा बिंदु पी से 9 मीटर की दूरी पर है। ये प्रश्न मूल रूप से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से ली गई है, और अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये ज्ञान होना जरूरी है, इस तरह का ज्ञान होना जरूरी है, यह है ज्ञान, ठीक है। अब यहां पे लिखा जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है पी, यहां से पूरे एक्स कोऑर्डिनेट इनकी दी हुई है कि बिंदु का कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहां पे कोई पॉइंट है मान लीजिए, चाहे इधर पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हैं आप, एक से एक की दूरी पर, y से इसकी दूरी पर, आप चाहें तो इसको ऐसे भी डायग्राम को बना सकते हैं, ऐसे बना दिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम चाहें तो इनको बना सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं, थोड़ा सा इसको मुझे लगता है सेट करने में टाइम लगेगा।
है, तो ये प्रश्न जो था 75, सॉरी थोड़ा सा आपको टेक्निकल इशू की वजह से परेशानी हो रही है। ये मैं कह दूं कि ये थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है, तो यहाँ पर ऐसा है, ये पॉइंट जो है पी यहां से 9 की दूरी पर है और एक से 1 मीटर की दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं कि बिंदु पी से, पी पे तीनों मिलते हैं पॉइंट, बिंदु पी पर छत की बिंदु पी पर समकोण बनाती है, कमरे की दो दीवारें और छत ये पी पर एक दूसरे समकोण बनाती है, मक्खी हवा में है जो पहली दीवार से 1 और दूसरी दीवार से 8 है और पी से 9 मीटर दूरी पर है, तो छत से कितना दूरी पर है ये बात बताना है, यानी तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस के अलोंग अगर ये मैं मान लूं कि यहाँ पर बिंदु है पी, पी यहाँ पर है और ये मक्खी जो है वो यहाँ पर है, मक्खी जो है वो यहाँ पर है, ये एम फॉर मक्खी, और इसका कोऑर्डिनेट है 1 1, यहाँ से, यहां से 9, ये ओ एम पी एम की दूरी है वो कितनी है 9 है, और दिया हुआ है प्रश्न में कि एक मक्खी एक दीवार से 1 मीटर की दूरी पर और दूसरी दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 8 हो गया और जेड कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है लेकिन पी एम पता है, तो अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है तो डिस्टेंस ऑफ किसी बिंदु ये फॉर्मूला होता है, किसी बिंदु एम एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट होता कि मूल बिंदु ओरिजिन मूल बिंदु से दूरी होता है अंडर रूट, ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पीएम दिया हुआ है 9, सो हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर हमें निकालनी है, तो 81 प्लस 64 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये 65 इधर से घट जाएगा तो 65 और 15 16 बच जाएगा, यानी जेड क्या हो जाएगा 4, तो 4 मीटर की दूरी पर छत से है इसलिए आंसर क्या हो गया 4 मीटर, और 4 मीटर आंसर होने से क्या आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ए हो जाएगा, आप देख रहे हैं ए इसमें आंसर है 4 मीटर, तो 75 का आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ए हो जाएगा। अब बचा क्वेश्चन नंबर 76, जरा इसकी बात करें, 76 क्वेश्चन से आगे ये तीन प्रश्नांशों पे विचार कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसमें आप ध्यान अगर देंगे तो आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। ये लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच या तो दो तरफा या एक तरफा मार्गों से जुड़ा है, एक तरफा मार्ग सी से ए तक, ई से जी तक, सी से ए तक जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ी सी डायग्राम बनाऊं तो मुझे ये ऐसे बनाना पड़ेगा कि सी से ए तक, ध्यान से देखिए ये छोटे छोटे एरो हमें बनानी पड़ेगी, ये सी से ए तक, ये मैं बना दूं कि यहां से क्या लिखा हुआ है कि सी से ए तक, पैसेंजर का है सी से ए तक, तो ये सी है ये ए है, उसके बाद दूसरी लाइन हमें बार बार इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसलिए टाइम लगेगा, सी से एक तक एक तरफा मार्ग, एक तरफा मार्ग सी से ए तक, ई से जी तक, बी से एफ तक, डी से एच तक, जी से सी तक, तो हमें सी पता है जी से सी तक, ई से सी तक, एच से जी तक, तो एच से जी और जी से सी ये दो सीक्वेंस मिल गया, ये एक तरफा मार्ग है एच से जी, जी से सी एक तरफा मार्ग है, एच से जी और जी से सी, हमने इसमें एच से जी और जी से
सी, ये होगा जी और ये हो गया जी, हैंग हो गया भाई। एच से, एच इधर, एच से जी और जी से सी, तो ये हमारा एरो हो गया। थोड़ा सा एच से जी और जी से सी, ये एक तरफा मार्ग है। उसके बाद अगली जो बात लिखी हुई है वो हम देख लेते हैं क्या क्या लिखी हुई है। तो थोड़ा सा इसमें परेशानी हो रही है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, सॉरी फॉर डिले। हाँ देखिए, ये डी से एच, डी से एच तक, बी से एफ तक, ई से जी तक, सी से ए और ए से जी, ये मार्ग आपको दिए गए हैं। तो आगे आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी से सी और सी से एच, फिर डी से एच, डी से एच और बी से एफ, डी से एच, यहाँ पे ये जो मार्ग है वो हम कह सकते हैं कि डी से एच, डी एक यहाँ होगा, डी से एच तक भी मार्ग है, और आपको ई से सी तक मार्ग है, ई कहीं यहाँ है, यहाँ से सी तक का मार्ग है, और बाकी के मार्ग जो है वो दिया हुआ है कि बी से एफ तक का मार्ग है, बी से एफ तक का मार्ग है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखें, दो तरफा मार्ग भी कुछ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तरफा मार्ग तो ये हो गया बी से एफ तक, ई से जी, वो सारे हो चुके हैं, ई से जी हो चुका, ई से जी तक एक तरफा मार्ग है, और एक ये भी है ई से जी तक, ई से सी तक, ई से जी तक, ये भी मार्ग है दोनों तरफ। और आप ये देख रहे हैं कि बाकी के मार्ग जो है वो दो तरफा है, यानी यहां से यहां तक ये दोनों तरफ से मार्ग है, ई से ए तक दोनों तरफ से मार्ग है, यहां से भी जा सकते हैं और यहां से भी आ सकते हैं, और एफ से बी, जी से बी तक दो तरफा मार्ग है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, क्वेश्चंस को मैं हार्ड कॉपी से पढ़ रहा हूँ, तो ये जी से बी तक दो तरफा मार्ग है, और बी से एफ तक सिंगल मार्ग है, बी से एफ तक सिंगल मार्ग है, और एफ और डी के बीच में दो तरफा मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक ये दो तरफा मार्ग है। तो ये सारे दिए गए हैं, अगर इन सबको आप आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सी से एच तक की यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से, सी से एच तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित स्टेशनों में से किस एक स्टेशन से गुजरना ही होगा, तो किस एक स्टेशन से गुजरना होगा सी से एच तक। अगर आप देखें सी से एच तक जाएं तो सी यहाँ है, सी से इधर तो जा नहीं सकते, तो सी से ए पर आना पड़ेगा, और ए से फिर ई पर आना पड़ेगा, और ई से डी पर जाना पड़ेगा, और डी से फिर एच पर आना पड़ेगा, मतलब ई होकर के ही जाना पड़ेगा सी से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आंसर होगा क्या, तो ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई, 76 का आंसर हो गया ई। अब 77 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 77 क्वेश्चन क्या है। यदि कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक, यदि कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक जाए, यदि कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक जाए, यदि कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक किसी स्टेशन को बिना एक से अधिक बार पार किए कितने प्रकार से जा सकते हैं, ए से एफ से ए तक जाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ से ए तक जाने के लिए एफ से डी आएगा, डी से फिर कहाँ आएगा, एच, एच से जी, जी से सी, सी से ए,
यानी एफ से, और फिर इस तरह से जाने के लिए एफ से डी, डी से ई से ए, एफ से डी से ई से सी से ए, एफ से डी से ई से जी से सी से ए। तो इस प्रकार से चार रास्ते ऐसे दिख रहे हैं जिससे आदमी हो करके एफ से ए तक की यात्रा पूरी कर सकता है। एक हुआ, अब फिर से देख लें, एफ से डी से एच से जी से सी से ए, एक रास्ता हुआ। एफ से डी से ई से ए, दूसरा रास्ता हो गया। एफ से डी से ई से जी से सी से ए, तीसरा हो गया। एफ से डी से ई से सी से ए, चौथा रास्ता हो गया। तो इस प्रकार से चार रास्ते हो गए और ये चार रास्ते आंसर हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 77 का, वो हो गया क्या, डी। डी ऑप्शन आंसर हो गया, और डी क्या है, 4। तो चार रास्ते हो गए। अगला जो सवाल है वो देख लें क्या है। अगला सवाल जो इसमें का बचा हुआ है एक, वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 78, यदि जी से सी के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाता है, यदि जी से सी के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाता है, तो एच से सी तक यात्रा करने के लिए किस एक स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि जी से सी के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाए, जी से सी के बीच का मार्ग अगर ब्लॉक कर दिया जाए, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर क्या पूछ रहे हैं कि ये रास्ता ब्लॉक अगर कर दिया जाए तो एच से सी तक यात्रा करने के लिए किस स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। एच से सी तक जाना है, ध्यान से देखिए, एच से सी तक जाना है, एच से जाना है सी तक। तो हम क्या करेंगे, एच से डी पर चले जाएंगे, एच से डी पर नहीं जा सकते, एच से जी पर जाना पड़ेगा, और जी से बी पर, बी से एफ पर, और एफ से कहाँ जाना पड़ेगा, डी पर, और डी से ई पर, और ई से सी पर। तो ऐसी स्थिति में ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया क्या, तो ए, ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात इसका आंसर हो गया सी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया सी, सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बचे हुए क्वेश्चंस को देखें, ये 78 हो गया, 79। कुछ दो अंकीय संख्याएं हैं, इन संख्याओं और इनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है। ऐसी अधिकतम दो अंकीय संख्याएं कितनी है, ऐसी अधिकतम दो अंकीय संख्याएं कितनी है, ये क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो आप कोई भी अंक लेंगे, दो अंकीय संख्याएं, तो आप देखेंगे कि जैसे 96 है और इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 69, और इनके बीच का डिफरेंस भी 16 में से 9 हो गया 7, और 8 में से 2 गया, डिफरेंस क्या होगा इनका, 27। दूसरा अगर अंक लें हम 85, 85 और 58, तो इसका भी 27 होगा। तीसरा ये 7 4 74 और 47, तो इसका भी डिफरेंस वही होगा 27। तीसरा हम ले लें 63 और 36, तो इसका भी 27 होगा। फिर 54 नहीं, हाँ 52 और 25, इसमें भी 27 होगा। फिर 41 और 14, इसमें भी 27 होगा। फिर क्या होगा, 30 और 03, लेकिन ये दो अंकीय संख्याएं नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे कितनी संख्याएं बन रही है, इस प्रकार से बन रही है दो अंकों की संख्याओं का पेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन रहे हैं इस प्रकार से। तो 6 पेयर इस प्रकार से कुल बन रहे हैं, और इसमें दिया हुआ है 5 तक ही, इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, ऐसे कम से कम 6 पेयर बनेंगे ही बनेंगे, और ये 6 पेयर 2 4 6 आपके सामने दिख रहे हैं, सब दो अंकों की संख्या है, इनके बीच का डिफरेंस 27 होगा ही होगा। 80 क्वेश्चन है, 150 पृष्ठों की एक पृष्ठ में 1 से 150 तक कुल कितनी बार अंक मुद्रित करने होंगे। तो 1 से 9 तक सब सिंगल डिजिट नंबर होता है, 1 से 9 तक सब में एक एक बार डिजिट, 1 × 9 यानी 9 डिजिट अंक मुद्रित करने पड़ेंगे। 10 से 99 तक ये हो गए कितने, तो 90 संख्याएं, और हर एक में कितने, दो अंकों की संख्या है, तो 180। और फिर 100 से लेकर के 150 तक
ये हो गए 3 अंकों की संख्याएं, 51 संख्याएं हो गई, तो 100 5 3 15, 153 टोटल मिलके 9 3 12 के दो हाथ में एक, 8 5 13, 1 14 के चार हाथ में एक, 1 1 2 1 3, 342 अंक उसे मुद्रित करनी पड़ेगी। इसलिए इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरह से ये 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन संपन्न हुआ। आई होप आपने सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा, आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और आप इसके जरिए बहुत सारे तरह तरह के कंसेप्ट भी सीख पाए होंगे, और इन कंसेप्ट की मदद से आप क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कर सकते हैं और तरह तरह के कंसेप्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे, और अगले पेपर सबकी सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी देखें और हमारी यूट्यूब चैनल अरविंद सिंह एकेडमी को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बरसाते रहें। हम आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।